उनका और दिनेश ठीक हो जाए कहना, मेरा भी हाँ सर ठीक हो जाए कहकर उनकी मिमिक्री करना। वे नीलम मैम का मोटिवेशन और क्रिएटिविटी टास्क देना, अपने जीवन के लिए उदाहरण देकर हम सभी का उत्साह बढ़ाना। वो अफवाह मैम का ग्रुप प्रेशर भी बढ़ाना, पहले समय की बात सभी टीचर की बारे है। वो ममता मैम का ग्रुप प्रेशर भी बढ़ाना, बी दिन हम कहकर समझाना। धीरे धीरे ये कॉलेज की दिनचर्या भाने लगी हम सबको, धीरे धीरे ये कॉलेज की दिनचर्या भाने लगी, मगर कोरोना की लहर थी कि एकदम से आने लगी। अचानक कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए, हम भी एक एक बैग लेकर घर को रवाना हो गए, अब ऑफलाइन क्लासों का स्थान ऑनलाइन क्लास में ले लिया, अब अंकिता मैम का लिखाना भी थोड़ा कम हो गया। पहला सेमेस्टर कोरोना की लहर में जाने लगा, आप दूसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट का सीन सामने आने लगा, हिंदी विषय को आप रिजाना मैम पढ़ाने लगी, हमारी हिंदी के सीखने को बेटू बेटू कहकर सुधारने लगी। वो उनका चौक को श्वेत वर्तिका और बटन को वस्त्र संयोजक बतलाना, बड़ा याद आएगा। फिर जब चौक और बटन सामने आएंगे तो रिजाना मैम की यादें जाएंगे। वो सामाजिक अध्ययन का वर्तमान प्रोफेसर और डीन भीमा मैम का आना, ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है। वो सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रोफेसर और डीन भीमा मैम का आना, हमें टीचिंग के प्रत्येक गुण बारीकी से सिखाना, अपने पीजी शेड्यूल के बाद भी हमें फोन न समझाना, मैम बोलती थी कि फोन कर लेना कोई दिक्कत नहीं, क्या इतना आसान है क्या शिक्षा संकाय की मां कराना, क्योंकि हम इसी के कोरोना की लहर अपने चरम सीमा पर आने लगी, अपने समय और नियम के पक्के उस समय प्रोफेसर और डीन रानी मैम कोरोना से लड़ने के स्कीम लाने लगी। हम सभी कोरोना फाइटर्स के रूप में तैयार करने लगे, कभी नाई बनकर तो कभी सैनिटाइज करके कोरोना से लड़ने लगे। धीरे धीरे हम तीसरे सेमेस्टर में आ गए, वो प्रैक्टिकल के पेज पर पांच सवाल आगे पढ़ने लगे। वैक्सीन से कोरोना की लहर थोड़ा कम हुई, फिर से जीआईसी में प्रैक्टिस टीचिंग हमारी स्टार्ट हुई, तीन महीने की टीचिंग से बच्चों को सिखाने और स्वयं को जानने का हमें मौका मिला। जब हम निकले विद्यालय से, तो अलग ही व्यक्तित्व अपने में देखने को मिला। अब मैंने पहली बार लिखित परीक्षा की डेट आई, अब हम लोग हम तो फर्स्ट ईयर में कोरोना के प्रोडक्ट थे, हमें ये परीक्षा आपना आई। जैसे तैसे हम लोगों ने रात भर पढ़ाई की, भले ही वन नाइट फ्लाइट थी, लेकिन हम सबने तैयारी की। अब आखिरी सेमेस्टर में हम सभी का प्रवेश हुआ, कोई नए अध्यापकों से पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, भले याद आएंगे पर जैसे वो पहले पीरियड में अंकिता मैम का काजू से दांत दिखाना, वही पहले सेमेस्टर के वादों को दोहराना और प्यार से पढ़ाना, वो पूजा मैम का हिंदी में रोज रोज का नया टास्क कराना, वो रावण मैम का इंग्लिश ग्रामर बड़े ध्यान से पूरा पढ़ाना, वो मनोज सर का आइए इस टॉपिक में चर्चा करते हैं कहना, वो सरोज मैम का लैपटॉप पीपीटी से टॉपिक क्लियर करना, वो सरोज मैम का
लैपटॉप की प्रिंट से टॉपिक क्लियर करना और सिर हिलाकर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना। वो नीलम मैम का अपनी मधुर आवाज से समा बांधना, वो नीलम मैम का अपनी मधुर आवाज से समा बांधना, वो संदीप सर का स्टेप में नींद मोड और भीगे पढ़ाना, वो संगीता मैम की प्यारी सी स्माइल से हम सभी को समझाना, वो संगीता मैम की प्यारी सी स्माइल से हम सभी को समझाना, वो कांता मैम का घर के बारे में पूछना कि क्या है, वो एचओडी मैम का बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल होना, वो एचओडी मैम का बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल होना, वो मनोज ज्योति सर का एक हफ्ते में सभी कालों को समझाना। बड़ी और अब लास्ट की कुछ लाइनें इस प्रकार है, कुछ दोस्तों की अब हम बात करते हैं, आप टीचरों की बात भी होगी, हम सबकी बात होगी, आप दोस्तों की बात करते हैं। वो जयश्री का पूरे क्लास का फ्रंट पेज बनाना, वो जयश्री का पूरे क्लास का फ्रंट पेज बनाना, वो नवीन के साथ रातों रात असाइनमेंट तैयार करना, वो नवीन के साथ रातों रात असाइनमेंट तैयार करना, वो कम्युनिटी वर्क में दोस्तों के साथ पेड़ लगाना, वो कम्युनिटी वर्क में दोस्तों के साथ पेड़ लगाना, वो गायक हिमांशु का हर बात पे लॉक हो गया कहना, वो पटेल जी का हम उत्तराखंड में ही जीवन बसाएंगे केस कहना, वो पटेल जी का हम उत्तराखंड में ही जीवन बसाएंगे केस कहना, बड़े याद आएंगे पल। अंत में सभी को एक बात कहूंगा, जो भी गलती मुझसे हुई उसके लिए सॉरी कहूंगा, एक बेहतरीन सा अनुभव लेकर आज भले ही हम जा रहे हैं, मगर दिलों में आज सबकी तस्वीर लिए अलविदा कही जा रहे हैं। बहुत बहुत शानदार दिनेश सर, अपने अपने जो पिछले दो